भाई हाथ जोड़ के बेनती है जेडे अपने नाल दे कालका दे सॉरी शिमले दे प्रधान है हिमाचल दे है डाटा कार्ड वाले जिन्नी भी यूनियन वाले साढ़े हिमाचल वाले मेरे वीरों देखो तुहानू पता ही है भी ये टैक्स कारण साढ़े ते कितनी ज़्यादा विपता पैगी किस तरह असी टैक्स दे सकते हैं तुसी भी साड़ी तरह ड्राइवर भरा हो तुहानू पता भी असी टैक्स नहीं कट सकते भी इस तरह करके हाथ जोड़ के बेनती है कि भाई तुसी सरकार नाल अपने मंत्री जिन्होंने तुसी वोटां पाईआं तुसी उन्हां नू मिल के कोई इहो जिहा रस्ता कढ़ो कि असी भी रोटी खाइए असी एक जगह ही रोटी कमानी है जिथे साडा कारोबार है उत्थे ही तुहाडा भी इस कारण तुसी उन्हां नू मनाओ भी हल कढ़ो भी जिहदे नाल सानू दिक्कत ना आए मजबूरन ये ना होए कि भी असी किधरे पिकअप रोकीए फिर आपसी भरावां च टकराव होए वाहिगुरु करे इहो जिहा दिन आवे भी ना। इन्ना की बहुत है क्योंकि यूनियन का मतलब ही है तुम 10 आदमी इकट्ठे हो गए अभी अगर कुछ काम कर सकते हैं कल आदमी कोई किसी नहीं कर सकता करो स्टार्ट यार अपने बोलो आप बोलो करो स्टार्ट बोलो भाई आप बोलो सारे अज ट्राई सिटी यूनियन के सारे मैंबर इकट्ठे हुए हैं तो यूनियन वालों फैसला लिया गया तो बाकी प्रधान जी दसूंगे भी आप फैसला लिया दसो जी। सत श्री अकाल सारे वीरां नूं भी जी अज वास्ते साडा जिहड़ा भी इकट्ठ होया वो मतलब बहुत वधिया तरीके नाल होया कल ते गल गई है कि भी असी डाकूमेंट्स अपने कंप्लीट करा के जिहड़ी भी कागजी कार्रवाई है वह करवा के परसों तो आप अपनी कार्रवाई शुरू करांगे ठीक है हिमाचल गवर्नमेंट नूं ही आप दिखाना चाहते हैं कि भी साढ़े इत्थे काम खत्म हो गया बिल्कुल भी और सानू काम करन जोगा बनाओ नहीं तो यह टैक्स जिहड़ा लाता तुसी साढ़े ते तां मतलब ऐ करता जी पहाड़ी उपर गिर गया जी आए तां हाँ जी मेहरबानी ये अगली कार्रवाई परसों तो करांगे जी। सारे भाइयों को राम राम और हिमाचल वाले मेरे भाइयों को भी राम राम। भाई हम लोग बहुत परेशान हैं इस टैक्स को करके तो मैं चाहूँगा कि भाई सारे हिमाचल वाले भाई हमारा साथ दें और वो भी अपनी गवर्नमेंट को इसके लिए बोले कि भाई ये नजायज़ है और ये ज़बरदस्ती हमारे पे थोपा जा रहा है कल को ऐसा ना हो हमें आप लोगों की पिकअप रोकनी पड़े और आपसी मेल मुटाव हो आप भी हमारे भाई हैं हम कुछ ऐसा करना नहीं चाहते। जय हिंद। इन्हों ने तो क्या दसे सारा कोई लफज भी नहीं है जोड़ा इन्होंने हिमाचल सरकार से वरत्या जाए इन्होंने ऐसा तोड़ता बिल्कुल डकैती वाला काम करता कोई 500 रुपये बता दो अगर वो कोई बाढ़ की आपदा आई है वो सारी कोई साढ़े कारण थोड़ा ही है ड्राइवर कारण यह तो हो गया भी असं क्या भी बाढ़ आ जाए हिमाचल बर्बाद हो जाए सानू ही दबाता इन्होंने एकदम ये बिल्कुल 500 तो 1000 कर लेंगे प्यार सानू बुला लेंगे 1000 करते 5000 करता इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रखता असी भी हो सकता असी भी कांग्रेस नू वोटा पाते हैं पर असी तो कभी नाम भी नहीं लाँगे कांग्रेस का अगर ये हाल रहा कल नू इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा एम पी दे आ रहे हैं इन्होंने अगेंस्ट दले बिल्कुल इस कारण इन्होंने टैक्स पुराना ही करना चाहिए अपना रोटी सारे ने खानी है ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं अगर इन्होंने ना मने इन्होंने ना करे चाहे साढ़े ते परचे दर्ज करे सरकार चाहे गोली मारे आप हिमाचल वाली गड्डी नू बढ़न ही नहीं देंगे बिल्कुल नहीं बढ़न देंगे चाहे कुछ हो जाए। हिमाचल ने लगाया है बहुत गलत टैक्स लगाया है क्योंकि 80-85 हज़ार रुपया असं टैक्स पहला भर रहे हैं परले पर डे 5250 3200 पर डे 3250 पर डे 250 और लगाता है इन्ना रेट सानू सवारी नहीं देना इस करके टैक्स बहुत ज़्यादा है। हिमाचल सरकार नू साडी बेनती है कि टैक्स साढ़े ते ना लाया जाए ये बहुत नजायज।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਾਈਟ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਇਨਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ जो ऑल इंडिया टैक्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं उसको दरकिनार करते हुए ये हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने जो ट्रेवलर्स पे लगाया है 5,000-6,000 एसी नॉन एसी पर डे टैक्स ये किस लिए लगाया और वो कौन देगा किस कस्टमर से लेंगे बाद में ये कहते हैं कि टैक्सी वाला कस्टमर को लूटता है टैक्सी वाला कहाँ से पूरे कर देगा वो एक गाड़ी की किस्त देगा कि टैक्स देगा कुछ भी नहीं कर पाएगा ये तो बिल्कुल जो अप टू 12 सीटर की जितनी भी गाड़ियों को ये टैक्स लगाया है ये एक भी गाड़ी चली नहीं सकती है इस टैक्स के बिहाफ पे जो इन्होंने एडवाइजरी जारी करके ये लगाया है तो हमारी तो सख्त और प्रार्थना भी है और सख्ती से हाथ जोड़ के निवेदन भी है हिमाचल सरकार को इस टैक्स के बारे में जरूर कुछ सोचना चाहिए ताकि एक ही हरियाणा के पैरेलल कर ले और अदर गवर्नमेंट के पैरेलल कर ले जो इसको ऑपरेटर दे सके और अपनी गाड़ी चला सके कमा खा सके हिमाचल गवर्नमेंट के साथ है कि हमारा टैक्स कम किया जाए बस इतनी नजायज नहीं करनी चाहिए थी किसी भी सरकार को ये तो एयर भी ऑपरेटर बिल्कुल काम ही ना करे इधर काटो बंद कर मैं एक गल कहना चाहता अपनी कालका यूनियन भी और अपनी चंडीगढ़ ट्राई सिटी ट्रैवलर यूनियन भी भाई जिथे भी किसी बंद की जरूरत पैंती है अपन 5-7-10 बंद की जरूरत है वह तेल का खर्चा मैं दूंगा यूनियन देगी तुसी सिर्फ उत्थे गड्डी च 5-7-10 बंदे जिहड़े भी आ सकते हो करंटली उत्थे पहुँचना है जिथे भी यूनियन बुलाएगी कितने धरना है या थोड़े वास्ते किसी ते भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एकजुट होवांगे तो ही वो प्रॉब्लम हल होगी ठीक है जी अज तुसी सारे जने कसम खाओ अगर असी एक है मतलब इदा नहीं है भी तो चले गए तो जी खत्म यार क्या यूनियन क्योंकि अज तक की जी यूनियन है वो इदा ही चलिया प्रोग्राम किसी ने कोई काम होने नहीं दिता मतलब एक दूजे की टंग खिंचने वाले बंदे हैं मतलब काम नहीं होने किसी का पर मैं ये चाहना किसी भी वीर नाल कोई ड्राइवर है कोई मालक है किसी नाल भी कोई भी प्रॉब्लम आती है वो नाल सारी यूनियन ने खड़ना है चाहे उन्होंने पैसे की जरूरत है चाहे उन्होंने ताकत की जरूरत है कोई भी है नहीं उसकी जरूरत है जी अपनी यूनियन पूरा करेगी उन्होंने मैं ये कहना चाहता जब मैं गलत हैं तो मैं माफ करो बाकी अगर थोड़ी सहमति सारा काम होगा ठीक है जी बाकी कोई गलती हो माफ करना आज का अपना जो प्रोग्राम सी सक्सेस रहा और मिलना है क्या करना है कल कल नहीं सारे नोटिफिकेशन जारी कल सारी यूनियन नहीं बुलावांगे कल ऐसे है बम्मू जाके कोई सुन मेरी बात सुनो मेरी बात